हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोजाना क्लासेस। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 57 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 58। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, जिनके पास सीबीएसई का लास्ट ईयर का डीके गोयल है उनके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 58 है, जिनके पास सीबीएसई का करेंट ईयर का डीके गोयल है उनके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 60 है, और जो आईएससी बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उनके बुक में ये क्वेश्चन नंबर 57 है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 58 निकालो, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। सचिन, कपिल एंड रश्मि हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर है, बताओ कौन कौन। सचिन, कपिल एंड रश्मि, कोई डाउट नहीं आता। इसके बाद ध्यान देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो था हमारा 3:2:1। आई होप अभी तक तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, आगे ध्यान दो ना थोड़ा। रश्मि वॉन्ट्स दैट, रश्मि कौन, ये दिस वन, ये क्या चाहती है बताओ ना मेरे को। रश्मि वॉन्ट्स दैट शी शुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली अलॉन्ग विथ सचिन एंड कपिल। रश्मि का डिमांड है कि मेरे को प्रॉफिट क्या इक्वल मिलना चाहिए, किसके बराबर मिलना चाहिए, सचिन और कपिल के बराबर। ध्यान तो फिर आगे क्या डिसाइड हुआ। एंड फर्दर शी वॉन्ट्स द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। बच्चों देखो एक नया वर्ड मिला, रेट्रोस्पेक्टिवली, क्या वर्ड मिला मेरे को बताओ, रेट्रोस्पेक्टिवली। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि वो प्रॉफिट में चेंज चाहती है 3 साल के लिए, किसके लिए, 3 साल के लिए। सपोज ध्यान देना, ये है हमारा ईयर 1, ये है हमारा ईयर 2, और अभी है हम लोग कहाँ पे, ईयर 3 में। तो रश्मि ने क्या कहा कि मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चाहिए, चेंज चाहिए, मुझे भी इक्वल चाहिए, किसके बराबर चाहिए मेरे को, सचिन और कपिल के बराबर। रश्मि का डिमांड क्या है ना कि वो सिर्फ ईयर 3 में चेंज करने के लिए नहीं बोल रही है, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से चेंज करने बोल रही है। मतलब रश्मि क्या बोल रही है कि जो प्रॉफिट बट चुका होगा, जो प्रॉफिट क्या बट चुका होगा, किसका, ईयर 1 का, ईयर 2 का, उसको भी हम लोग को क्या करना होगा, सुधारना होगा। मतलब हम लोग को सिर्फ ईयर 3 का प्रॉफिट को सुधारना है या ईयर 1 और ईयर 2 दोनों का। बाबू ईयर 1 भी हम लोग को करेक्ट करना है, ईयर 2 भी करेक्ट करना है, ईयर 3 भी करेक्ट करना है। तो बताओ रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ओके चलिए, तो आगे ध्यान देंगे बच्चों। रश्मि ने क्या डिमांड किया कि मुझे इफेक्ट में चेंज चाहिए अभी से, एकदम शुरुआत से, एकदम शुरुआत से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मतलब जितना भी काम हो चुका है उसको शुरुआत से चेंज करो, उसको क्या करो, शुरुआत से चेंज करो। थोड़ा आगे ध्यान दो ना, क्या बोल रहे हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, कहाँ गया, रेट्रोस्पेक्टिवली तो हो गया फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। अदर पार्टनर्स हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस, मतलब जो सचिन है और जो कपिल है उन लोगों को इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो लोग क्या कर गए, अग्री कर गए शुरुआत से प्रॉफिट को चेंज करने के लिए। अगर ध्यान दो तो क्या हुआ फिर, द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वेयर 60,000, 47,000 और 55,000। फटाफट लिखेंगे कि पिछला 3 साल का प्रॉफिट कितना कितना था, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, चलो बताओ कितना कितना प्रॉफिट था। ईयर 1 का कितना था, 60,000, ईयर 2 का कितना था, 47,000, ईयर 3 का कितना था, 55,000। रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट बाय मीन्स ऑफ अ जर्नल एंट्री, हम लोगों को क्या करने बोला गया, हम लोगों को एडजस्टमेंट्स करने बोला गया। अब आप बताओ मेरे को, हम लोगों को खाली इस प्रॉफिट को करेक्ट करना है या तीनों प्रॉफिट को करेक्ट करना है, तीनों को करेक्ट करना है, ईयर 1 को भी, ईयर 2 को भी और ईयर 3 को भी। तो पहले बताओ टोटल प्रॉफिट कितना, 0,0,0,7,8,9,10,11,12 कैरी 1, 6,6 12 और 4 16, 7 देना। पिछला 3 साल का प्रॉफिट कितना हो गया, 1,62,000। वो बट चुका था, वो क्या हो चुका था, बट चुका था, किस में बट चुका था, सचिन, कपिल और रश्मि में, किस रेशियो में बट चुका था, 3:2:1। पर रश्मि क्या बोली कि ये रेशियो मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को इक्वल चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, इक्वल। तो हम लोगों को गलती को सुधारना होगा, चलाओ देखो गलती को कैसे सुधारेंगे, क्या बनाएंगे हम लोग बताओ मेरे को, टेबल
शोइंग एडजस्टमेंट, है ना? क्या बनाओगे? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. सचिन, कपिल, रश्मि, टोटल, पार्टिकुलर्स. अब आप लोगों को दिमाग चलना चाहिए कि इसको कैसे सुधारना है. कुछ आइडिया लग रहा है कैसे सुधारना है? 1,62,000 बट गया किस रेशो में? 3:2:1. तो हम लोग गलती में कैसे सुधारेंगे? जो बट गया है उसको वापस ले लेंगे. जो बट गया उसको क्या ले लेंगे? वापस. तो चलो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताओ मेरे को? प्रॉफिट टेकन बैक. हम लोगों ने प्रॉफिट क्या कर लिया? वापस ले लिया. कितना प्रॉफिट बताओ मेरे को? 1,62,000 का प्रॉफिट वापस ले लिया ना. किस रेशो में वापस लिया? जो बट चुका था किस रेशो में बट चुका था? 3:2:1. प्रॉफिट वापस ले रहे हो, क्रेडिट या डेबिट? वापस ले रहे हैं. कैपिटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा. तो क्या करेंगे यहाँ पे? डेबिट करेंगे. कोई डाउट है क्या? फटाफट डिवाइड करके बताओ ना मेरे को कितना होता है ये. मैं भी कैलकुलेट करता हूँ इसे. 1,62,000 डिवाइड बाय 6, 27,000. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 27,000 इंटू 2, 54. और थर्ड वन इज 81 होना चाहिए. 27,000 इंटू 3, 81,000. हम लोगों ने वापस ले लिया. अब बताओ फॉर्म क्या करेगा? अब बताओ ना फॉर्म क्या करेगा? फॉर्म के पास वापस आ गया 1,62,000. तो अब क्या डिमांड क्या है रश्मि का? कि ये जो प्रॉफिट फॉर्म वापस लिया है अब इसको कैसे बांटेंगे? इक्वली. अब कैसे बांटेंगे इसको इक्वली? यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताओ मेरे को? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. क्या लिखेंगे हम लोग इस बार? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट भाई जो वापस लिया था? 1,62,000. किस रेशो में बांटोगे? इस बार जो बांटना चाहिए था 1:1:1. प्रॉफिट बांट रहे हैं डेबिट या क्रेडिट? प्रॉफिट दे रहे हैं. कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्रेडिट लिखेंगे. डिवाइड करो तो 1,62,000 को 3 से. 1,62,000 डिवाइड बाई 3, 54,000. तो तीनों को बताओ कितना मिलेगा? 54. यहाँ पे क्या 1,62,000. कैलकुलेशन ख़त्म. हम लोग अब एडजस्टमेंट कर दें. चलो बताओ 81 और 54 में कितना का डिफरेंस है? 81,000 माइनस 54,000 डिफरेंस आ रहा है बाबू 27,000 का. कितना का डिफरेंस आ रहा है? 27. ज़्यादा कौन दोनों में से? डेबिट वन, डेबिट लिख दो. 54 नील. कितना का डिफरेंस है बताओ मेरे को? 27 का. ज़्यादा कौन दोनों में से? क्रेडिट. अब बताओ रश्मि ने जो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज किया था उसका इफेक्ट क्या पड़ा? उसका इफेक्ट ये पड़ा कि रश्मि को 27,000 मिलेगा क्योंकि क्रेडिट हो रहा है, और सचिन से 27,000 लिया जाएगा क्योंकि वो डेबिट हो रहा है. क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रश्मि कैपिटल अकाउंट. कोई दिक्कत? अब वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लो.